गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप, यू आर वाचिंग एसएमएस इंडिया हब। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं इसको। एक्चुअली हम बहुत बार देखते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर फाइल को कन्वर्ट करना पड़ता है पीडीएफ में, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे वो नॉर्मल एक पीपीटी हो या एक यू नो एक्सेल शीट हो। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में तो कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत सारे फ्री टूल अवेलेबल हैं, आपको कौन से टूल यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं पहले करूँगा गूगल ओपन, तो मैंने गूगल को ओपन कर लिया है। अब हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना है एक सिंपल कीवर्ड, वर्ड टू पीडीएफ। ओके, एंड जैसे मैंने वर्ड टू पीडीएफ डाउनलोड इस पर टाइप करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे है ना सॉरी वेबसाइट्स आ गई हैं। आप देख सकते हैं आप अलग अलग उनकी रैंकिंग है। तो सबसे ज़्यादा विजिट जो इस वेबसाइट पर होती है, यहाँ पे आप एस्टिमेटेड विजिट देख सकते हैं कितने सारे विजिट्स होते हैं। तो अगर मैं विजिट्स की बात करूँ तो ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है और इसको ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है चूज़ फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फ्रॉम योर डिवाइस, फ्रॉम योर फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, मतलब ऑनलाइन अगर आपका कहीं पे स्टोर है तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, गूगल ड्राइव से उठा सकते हैं। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ फ्रॉम डिवाइस। जैसे आप डिवाइस पर करेंगे तो ये आपका पूछेगा कि आपकी डिवाइस में से किस लोकेशन से इसको उठाना है। तो मैं अपनी पेन ड्राइव से ही इसको पिक करना चाहता हूँ। पेन ड्राइव को मैंने चूज़ कर लिया है। ओके, मेरी पेन ड्राइव में डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस ट्रांसेंड। ओके, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से, तो ये मेरी कंपनी का फाइल है, यहाँ से मैं आ गया हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ ब्रोशर वाला। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइल विच आई विल यूज़ एंड फॉर डेमो पर्पस। ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है। 2.6 MB की ये फाइल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गई है। तो ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो रही है, सिंस द डेटा इज़ बिग तो थोड़ा टाइम लग रहा है। साइबर साइड में आपको ये देखिए, ये जो ये ब्लू बार यहाँ पे स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल को अपलोड कर रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप एक एक्सटेंशन भी जो वर्ड टू पीडीएफ एक्सटेंशन आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने अगर अभी वेबसाइट को यूज़ किया है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपको वो नहीं करना है तो यहाँ पर एक ये मैंने एक्सटेंशन है वर्ड टू पीडीएफ का, ये यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वर्ड टू पीडीएफ का एक एक्सटेंशन हो जाता है। फ्रॉम योर पीसी, जहाँ से भी आपको पीसी से आपको उठाना है, आप वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एंड देन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अपलोड टू कन्वर्ट, अपलोड एंड कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। आप गूगल ड्राइव से भी इसको उठा सकते हैं। तो ये क्रोम एक्सटेंशन है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। पहले ये देख लेते हैं कि ये फाइल अभी कन्वर्ट हो रही है। सिंस द फाइल इज़ बिग तो थोड़ा टाइम लग रहा है, 2.5 MB की फाइल है, बड़ी फाइल है तो इसको कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है। ओके, जब तक हम ये देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर गूगल में जाना है या यहाँ पर चले जाइए, थ्री डॉट्स पर चले जाइए। ये थ्री डॉट्स पर जाने के बाद यहाँ पर मोर पर जाएंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा। एक्सटेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए, एक काम करते हैं यहाँ पर जो थ्री बार है यहाँ पे चले जाइए, देन ओपन योर क्रोम वेब स्टोर, ओपन योर क्रोम स्टोर, यहाँ पे आपको लिखना है वर्ड टू पीडीएफ। ओके, देखिए वर्ड टू पीडीएफ मैंने लिखा और ये बहुत सारे एक्सटेंशंस आ गए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने अब मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा है, मैं इसको यहाँ पे फिर से एक्टिवेट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सिंपली उस पर क्लिक करिए। ठीक है, देन ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो मैंने ये वाला एक्सटेंशन यूज़ किया है। यहाँ पे फ्रॉम फाइल करेंगे, किसी फाइल अपलोड होगी अपडेट अपलोड टू कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन डाउनलोड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको वेबसाइट को ओपन नहीं करना पड़ेगा। देख लेते हैं हमारी उस पीडीएफ का क्या स्टेटस है। कहाँ पर था ये, यहाँ पर था। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारी पीडीएफ आ गई है कन्वर्ट होके। मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा डाउनलोड पे तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने एक बार क्लिक भी कर दिया डाउनलोड पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई है।
इसमें इतना टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि ये 26 पेजेस की पीडीएफ मतलब फाइल थी, तो ये इसलिए इतना टाइम लिया। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से लगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी पीडीएफ की फाइल कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है वर्ड की फाइल से पीडीएफ में। वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्जन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।